आइएगा, फ्यू माइनस प्लस माइनस फ्यू डेज। तो आप पहले मून की वो पोजीशन देखिए जो असेंडेंट के, जो नेटल असेंडेंट में असेंडेंट की पोजीशन है, और सिमिलरली जो नेटल मून की पोजीशन है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप कंसेप्शन के टाइम की असेंडेंट की पोजीशन को आप देख पाएंगे। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन मुश्किल नहीं है ज्यादा, थोड़ी मेहनत करेंगे तो यू कैन रीच अप टू द कंसेप्शन टाइम ऑफ योर सेकेंड। अब इसी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं कि जब आप कुंडली की रेक्टिफिकेशन के लिए आप बैठे, जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ जजमेंट, आपने अपने लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर डिटेल डाली, जन्म समय की या जन्म की तिथि की जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है उसके अनुसार आपकी कुंडली बन जानी है। और ट्रू एस्ट्रोलॉजी वर्शन 4 के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है कि भावा चार्ट के नीचे ही आपको रूलिंग प्लैनेट्स उस वक्त के मिल जाते हैं जब आप असेसमेंट के लिए बैठे हैं, जब आप जजमेंट के लिए बैठे हैं, करेक्ट। आप सबसे पहले उन रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट को और रूलिंग प्लैनेट मून को अपनी कॉपी में नोट करें। आरपी असेंडेंट के 4 को रूलिंग हो गए, और सिमिलरली रूलिंग प्लैनेट मून उसके भी 4 को रूलिंग होंगे। यदि उन रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट या रूलिंग प्लैनेट मून में राहु या केतु भी अपीयर हो जाते हैं तो आप उस दिन का राहु और केतु किन प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनको भी साथ में नोट करें, ठीक है। तो ये रूलिंग प्लैनेट लेने की वो है। तो कस्पल नियम के अनुसार आरपी असेंडेंट, रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट और रूलिंग प्लैनेट मून की सहायता से हम कुंडली को ऐसी सिचुएशन में जहां डाउट भी है, ईयर का, मंथ का डाउट भी है और डे का डाउट भी है, तो इसको सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प से हम इसको करेक्ट करेंगे। अब आगे नियम क्या है, जब जो रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट है, रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट मींस एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब आप उस कुंडली की जजमेंट के लिए बैठे, उस समय जो रूलिंग प्लैनेट आपको मिले, उस रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट की मदद से आपको नेटल जुपिटर की पोजीशन को करेक्ट करना है फॉर द डाउट अबाउट ईयर। आरपी असेंडेंट के को रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से ही आप सन की पोजीशन को करेक्ट करेंगे फॉर द डाउट अबाउट द मंथ, एंड विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट यू विल करेक्ट द पोजीशन ऑफ मून, नेटल मून। इट मींस विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट जुपिटर, द पोजीशन ऑफ जुपिटर, पोजीशन ऑफ सन एंड पोजीशन ऑफ मून विल बी करेक्टेड। अब देखें रूलिंग प्लैनेट्स कस्पल के अंदर जो प्लैनेट की अगर स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट तक जब हम देखते हैं तो प्लैनेट सबसे जो स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है वो सब लॉर्ड पे रहता है, उससे कम सब लॉर्ड पे, उससे कम स्टार लॉर्ड पे, एंड सबसे कम जो सबसे वीक है वो साइन लेवल पे। आप इसको इस प्रकार समझें, देर आर 4 को रूलिंग प्लैनेट्स इन द असेंडेंट सीरीज। प्लैनेट एट द सब लेवल मींस असेंडेंट, आरपी असेंडेंट का जो सबसे पहले जो सब लॉर्ड है दैट इज द स्ट्रांगेस्ट प्लैनेट टू यूज। रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट का जो सबसे जो स्ट्रांग प्लैनेट है दैट विल बी द सब लॉर्ड ऑफ द आरपी असेंडेंट। आपने सबसे पहले उसको यूज करने का प्रयास करना है। अगर आप उसको यूज नहीं कर पाए हैं तो फिर सब लॉर्ड पे जाइएगा, फिर स्टार पे, और सबसे कम बाद में साइन लॉर्ड लॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मेरा ख्याल आप इसमें समझ गए होंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट, विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट यू विल करेक्ट द पोजीशन ऑफ जुपिटर फॉर द ईयर ऑफ डाउट ऑफ ईयर, यू विल करेक्ट द पोजीशन ऑफ सन, यू विल करेक्ट द पोजीशन ऑफ सन फॉर द डाउट ऑफ द मंथ, एंड फॉर द डाउट ऑफ द डे यू विल करेक्ट द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट।
अब जो रूलिंग प्लैनेट मून है, रूलिंग प्लैनेट मून मींस आरपी मून, को रूलिंग प्लैनेट्स, देयर विल बी फोर को रूलिंग प्लैनेट्स। आरपी मून का मतलब एट द टाइम ऑफ जजमेंट, एट द टाइम ऑफ जजमेंट जो प्लैनेट्स आपको रूलिंग प्लैनेट मून के लिए मिले, दोज फोर प्लैनेट्स। सो विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट मून यू विल करेक्ट द पोजिशन ऑफ नेटल असेंडेंट। आप नेटल असेंडेंट की पोजिशन को रूलिंग प्लैनेट मून की हेल्प से उसको करेक्ट करेंगे। ये तो रूलिंग प्लैनेट्स को कैसे आप यूज करेंगे वो मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है। मोटे तौर के ऊपर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट असेंडेंट यू विल करेक्ट द पोजिशन ऑफ जुपिटर, सन एंड मून फॉर ईयर, मंथ एंड डे रिस्पेक्टिवली, एंड विद द हेल्प ऑफ आरपी मून यू विल करेक्ट द पोजिशन ऑफ नेटल असेंडेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लैनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सब सब लेवल, उससे कम सब लेवल में, उससे कम स्टार लेवल में, और सबसे वीक साइन लेवल में। मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है कि आप इस विचार को समझ चुके होंगे। इसी विचार को हम आगे दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।